चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारे अकोला में दो हॉस्पिटल है, एक है रिश्तेदारों के साथ में लोगों को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और लोगों का इलाज करते रहते हैं। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ मनु का, जो भांग है, भांग उसको मनु का भी हमारे इलाके में कहते हैं, उसके बारे में, एडिक्शन जो होता है, लत लगती है उसके बारे में। तो ये जो पेशेंट है ये मनुका खा के बहुत ही, मतलब जैसा पागलपन जैसा कर रहा था, भांग की गोलियां खा रहा था और पागलपन जैसा कर रहा था, मतलब नींद नहीं, मारपीट करना, घूमना फिरना, एक जगह बैठना नहीं, बकबक करते रहना और कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्या होता है कि भांग जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब भेजे के ऊपर एक्ट कर दिए और वहाँ से एक तो भेजे को स्टिमुलेशन मिल जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अपन हवा में चल रहे, या कुछ आँखों के सामने दिखता है जिसको बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशंस, या फिर वो आदमी एकदम विड्रॉ हो सकता है बहुत ज़्यादा भांग लेने से, एकदम विड्रॉ होकर एकदम सुस्त हो जाना और डिलीरियम में चले जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखिए पेशेंट का हमने वीडियो लिया हुआ है, इसके रिलेटिव है, देखो क्या कहते हैं। तो क्या नाम है? अमृत लाल नाम है। हाँ, पिताजी का नाम छोटे लाल। छोटे लाल, ठीक है, ठीक है। आपका कौन है? ये माँ है तुम्हारी? तुम माँ इसकी? हाँ। अच्छा, क्या हो गया था इसको? इसको भांग का गोली खाने से पागल हो गया। हाँ। कोई झगड़ा करता, काम धंधा चिंता नहीं है, रात उधर भटकता रहता। तो भांग का गोली खाया था उसने, उसमें पागल हो गया वो। हाँ, पहले खाता ही था। हाँ, वो खाने से होश हो गया। अच्छा, तो क्या कर, भटकता था इधर उधर? भटकता था इधर उधर, और रात भर नहीं सोता था। सोता नहीं था? हाँ। और अच्छा, फिर अभी कैसा है? अभी अभी ठीक है। कितने दिन हो गए यहाँ लाया? नौ इंजेक्शन हो गया। हाँ। तो अभी ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक है। अभी क्या क्या फायदा दिखता है इसका? फायदा तो अभी ठीक ही है। हाँ, अभी खाना पीना लेते हैं। खाना पीना ठीक है? हाँ। और जरा सा बड़बड़ करता है अभी, थोड़ा बड़बड़ बाकी है। हाँ हाँ, और कुछ नहीं है बाकी? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो है ये भांग, मतलब उसको मनुका ऐसा बोलते हैं, मनुका है ना, भांग की गोलियां मिलती है, वो गोलियां खाता था वो। हाँ। और गोलियां खाने से ऐसा हो गया था? हाँ, अभी ठीक है उसको? हाँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपने जो बताया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका इलाज हम करते रहते हैं। ये कोई भी लोग है जो भांग के आदि है, मतलब लत लगी है, तो या चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, सिगरेट हो या शराब हो, जो भी कोई है, ब्राउन शुगर है, तो आप उनका इलाज करके उनका जीवन दे सकते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों का एजुकेशन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो जाएगा, मेंटल हेल्थ के बारे में हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम करते रहते हैं, मतलब लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं और फ़ोन करके हमारा सलाह लेते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं फ़ोन के ऊपर, मैरिज काउंसलिंग है, फिर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कंसल्टेशन है या काउंसलिंग है वो भी करते रहते हैं। नीचे दिए हुए फ़ोन के ऊपर आप हमारे संपर्क कीजिए और हमसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।